अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भी अभी जो विरोधी कुछ संगठन के लोग इसमें अभी पहुंचे थे शिकायत लेकर, कहीं ना कहीं जो एक आपके नाम से जोड़ के उस नाम को देखा जा रहा सुपर मीटर का, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? क्योंकि बड़ा सीना देना सरासर निर्धारित है और टोटल गलत बात है, और ये साजिश के तहत मेरी छवि धूल मिल करना चाहते हैं कि मेरे माता पिता और मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय सत्य महाराज साहब ने हमेशा देवास में अमन शांति की बात थे, और साथ वालों को यही सीख दी कि भैया देवास में अमन शांति, मानवता, इंसानियत कैसे जिंदा रहे, और ये कुछ लोग इस तरह की देवास की फिजा खराब करना चाहते हैं। पूर्व में भी आज से 5 साल पहले इसी लड़के को मैं जानता नहीं हूँ, ये तो अभी मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा हूँ, तो मैंने जानकारी नहीं लगी कि आज से 5 साल पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ था, मेरे पे गोली चली थी घर पे और लोकसभा का रिजल्ट आने वाला था असल में, उस टाइम भी इसके काका के लड़के ने मेरे पर गोली चली और फिजा दिवास की खराब करने की कोशिश करी। उस टाइम भी काम तुम 8-10 लोग वहाँ 1000 लोग इकट्ठे हो गए थे मेरे घर पे, और लोगों ने पूछा भाई क्या मामला, तो हमने हमने शांति का पैगाम दिया कि हमने किसी को नहीं देखा, हमें प्रशासन पे भरोसा है, यकीन है कि प्रशासन जांच करेगा और जांच करके दूध के दूध पानी के पानी करेगा, और प्रशासन ने उस दौर में भी जांच करी ईमानदारी से और उन लोगों को गिरफ्तार करा, और मैं प्रशासन पे आज भी यही उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन जांच करे और जो कसूरवार है तो उसको उस पर कार्रवाई हो, और जो देवास की कुछ लोग तो फिजा खराब करना चाहते हैं, देवास में हम सब समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं और उसकी फिजा खराब करना चाहते हैं, तो अगर वो दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो, और अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे पे कार्रवाई हो। और ये प्लानिंग के तहत है कि आज से 5 साल पहले भी मेरे पे हमला हुआ था, और ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग तहत मेरे को लग सकता है कल से मेरे साथ ही कुछ हादसा या मेरे परिवार या मेरे बच्चों पे या मेरे साथ वालों पे या मेरे पे हमला हो सकता है, तो इसकी जवाबदारी इन लोगों की ही होगी और प्रशासन की होगी। मैं प्रशासन से हर सोच के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पर जांच करें, वो मेरे को यकीन है प्रशासन पे, जैसे पिछली बार जांच हुई थी इस बार आप भी जांच करेंगे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पिछली बार आपके ऊपर हमला हुआ था, अब जो बात सामने निकल के आ रही है तो कहेंगे आपका नाम लोग देखा जा रहा है अंसार बेग सुपारी की है, या फिर जो है कि नाम तो स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन इनकी नाम आ रहा तो ऐसा क्यों हो रहा है? अरे कल से मैं कह दूंगा आप मीडिया में, मैं आपका कह दूंगा कि भैया मैं आपकी मेरे समय में कल से किसी अधिकारी का नेता का कह दूंगा इनने मेरी सुपारी दी, तो क्या मान लो आप लोग जाँच होना चाहिए नहीं? रीजन क्या है इसके, क्यों आपका नाम? यार मैं तो उस व्यक्ति को जानता भी नहीं कौन है लड़का, मैं उसको जानता भी नहीं कौन है, तो मैं कैसे बोलूं? ये तो प्रशासन की जवाबदारी, जांच करे, अगर दोषी हूं मैं तो कार्रवाई करे, या फिर वो दोषी है देवासी फिजा खराब करना चाहते हैं इस तरीके से तो उन पर कार्रवाई करे। जिनने आप एलिगेशन लगाया इमरान चौहान करके जो लड़का पूछा था, क्या उसको भी जानते हैं? मैं नहीं जानता, कभी आज तक की बात ही नहीं हुई उससे। जो चाचा इंदौर वाले, अरे जिनका भी कह रहा, अगर ये साबित हो जाए कि अंसार अहमद ने जीवन में इनसे कभी मैंने बात करी है, तो देवास की आवाम का, देवास के अमन पसंद लोगों का जूता मेरा सिर, इतनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं। और अगर आज देवास में अमन शांति मानवता नहीं होती और सभी समाज के लोगों की मेरे साथ मोहब्बत नहीं होती, तो आज मैं देवास शहर में 3-4 बार अलग अलग वार्ड चुनाव नहीं जीतता, जो बहुसंख्यक लोग रहते हैं वहां से चुनाव जीतता हूँ, और आज देवास मेरे बाप दादा को राधागंज में 80-90 साल होगा, सारे बहुसंख्यक लोग हैं, खाली अनंत सिंह मकान मेरा है, मगर आज हम भाईचारे थे वो मिलजुल के रहते हैं, ये मेरी छवि धूमधन करना चाहते हैं ये लोग, वो मेरे प्रशासन पे यकीन है। कितने सालों से जुड़े हैं आप? मेरे को मतलब 16 साल का उम्र थी मेरी नाबालिग था जब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, कम से कम मेरे को 35-36 साल होगा, बड़े बड़े पदों पर रहा हूँ, प्रदेश कोषाध्यक्ष रहा हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का कार्यकारिणी सदस्य जिले में, भाजपा नगर मंडल का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, 3-4 बार पार्षद रहा हूँ, सभापति रहा हूँ, मेरा बच्चा आज पार्षद, मेरे बच्चे की भी छवि खराब करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने आवेदन दिया है जांच के लिए, आप भी आवेदन देने जाएंगे जांच? यार मैं प्रशासन को क्या आवेदन दूं, प्रशासन अगर मुझे बुलाएगा तो मैं प्रशासन की इसमें बिल्कुल मदद खंधे से खंधा मिला के करूंगा, और मैं प्रशासन से ये कहता हूँ, मेरे को तरस आ रहा है इन लोगों पे कि ये इसे या क्यों खराब करना, रहम करें देवास पे, इन लोगों से मैं निवेदन हाथ जोड़ करना चाहता हूँ, आप देवास की फिजा खराब ना करें, मेरे को ताजी हो रहा है, हंसी चल रही है इन पे, हंसी चल रही है बिना हाथ पैर के आप बात कर रहा है, और मेरे को प्रशासन पे यकीन है, इसको क्लियर करेगा प्रशासन। आपका नाम? अंसार अहमद हाथी वाले, पूर्व सभापति नगर निगम। आपका
है।